अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो सामने आपको एलिवेशन नज़र आ रहा है, ये आप कह सकते हैं कि रॉयल पैलेस ये एलिवेशन है, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये घर मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है। आप कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन भी इसको कह सकते हैं, रॉयल पैलेस कह सकते हैं, क्योंकि रॉयल थीम में ये घर जो है वो बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत इसका एलिवेशन है और बहुत ही खूबसूरत रॉ आयरन में इसका गेट है, और इसका गेट बहुत खूबसूरत है। एक कनाल के ऊपर इस घर की ये बिल्डिंग है और एक कनाल का साल लॉन दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और ये इसका आउटर कोर्ट यार्ड है। आउटर कोर्ट यार्ड को अगर मैं इस साइड से दिखाऊं तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें इम्पोर्टेड प्लांट्स, इम्पोर्टेड ग्रास और पाम ट्रीज जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को बहुत इन्हांस करते हैं। और इस साइड पर ये इसका दूसरी जो इसका लॉन वाला एरिया है, उसका ये आउटर कोर्ट यार्ड है। ये इसकी वॉल देखें, वॉल बहुत खूबसूरत है, पूरा डिटेलिंग में इसके ऊपर काम किया गया है। टोटल इम्पोर्टेड टाइल जो है वो इसके ऊपर लगाई गई है, बहुत ही खूबसूरत ये घर है। ये इसका आउटर कोर्ट यार्ड आप इस साइड से देखें। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सीसीटीवी कैमराज और इलेक्ट्रिक फेंस जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है। घर में जैसे ही आप एंटर होंगे तो ये आप इसका एलिवेशन चेक करें। इस साइड पे आप ये चेक करें, ये एक एरिया है, यहाँ पे भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से इसको बेसमेंट में रास्ता जा रहा है कि अगर आपके पास कोई गेस्ट हैं जिसको आप सीधा बेसमेंट में ही लेके जाके सिटिंग करवाना चाह रहे हैं। और ये इसका मेन फीचर है, वो इस घर का लॉन है। लॉन बहुत ही खूबसूरत है इस घर का। इस साइड से मैं आपको इस घर का एलिवेशन भी दिखा रहा हूँ। ये इसका गैरेज है जिसमें दो से तीन गाड़ियाँ आराम से आप पार्क कर सकते हैं। इस साइड पे देखें तो ये कुछ सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप फायर प्लेस बेसिकली है, यहाँ पे आप सर्दियों में आग जला के बैठ सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। इम्पोर्टेड प्लांट्स, पाम ट्रीज, बहुत ही खूबसूरत इसका ये वाली साइड है। और इस साइड पे ये भी कुछ सिटिंग एरिया सामने यू कैन सी। और ये इसका एलिवेशन यहाँ से आप चेक करें, ये इसका ड्रीम बेसिकली एलिवेशन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पूरी डिटेल में इसके ऊपर काम किया गया है। घर में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपको वेलकम करती है वो इस घर की डबल हाइट लॉबी है। यू कैन सी यहाँ पे दो पैसेज हैं, एक पैसेज आपका बेसमेंट को जा रहा है और एक पैसेज अपर वाले पोर्शन में जा रहा है। आप डिटेल वर्क चेक करें। इसके डोर्स के ऊपर जो है वो एशवुड यूएस अमेरिकन इंपोर्टेड एशवुड यूज़ की गई है। और इसका आप रूफ चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें डिटेलिंग वर्क चेक करें, स्पॉट लाइट, एलईडी लाइट्स, इंपोर्टेड प्लांट्स इसमें लगाए गए हैं, सिंथेटिक प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स इसमें रखे गए। ये कंसोल, ये बीच में एक टेबल, और ये इसका पाउडर रूम है। पाउडर रूम में मिरर देखें, वो डी शेप में, और इटालियन टाइल जो है वो इस इनके वॉशरूम में यूज़ की गई है। वॉल हैंग का मोड, सिंगल वैनिटी, फ्लोटिंग वैनिटी। इधर से आगे बढ़ेंगे तो ये इसका बेसिकली ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में फर्नीचर जो है वो इम्पोर्टेड और रॉयल शेप में, रॉयलिटी प्रॉपर इस घर में दिखाई गई है, तो उसी में ही इसको रखा गया है। वही इसी तरह का फर्नीचर जो है वो यूज़ किया गया है। ड्राइंग से डायरेक्ट आपको डाइनिंग की एक्सेस है। ये फायरप्लेस है, कर्टन, और इसकी ये पेंटिंग और इसके वॉलपेपर खूबसूरत। ये इसकी डाइनिंग, डाइनिंग की जो आप चेयर्स देख सकते हैं, इनके ऊपर डिटेलिंग देख सकते हैं। फ्लोरिंग इसकी प्रॉपर वुडन है, यू कैन सी। इसके ऊपर डीसी इन्वर्टर इंस्टॉल्ड हैं और रिमोट कंट्रोल जो है वो फैंस हैं इसमें। प्रॉपर घर जो है वो बेसिकली सारा ही रिमोट से ही कंट्रोल होता है। ये कंसोल, ये इस घर का टीवी लाउंज एरिया है। टीवी लाउंज एरिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत, और इसमें भी बड़ा डिज़ाइनर तरीके से इसमें फर्नीचर जो है वो रखा गया है। और यहाँ से आप को एक्सेस मिलती है एक कनाल वाले जो आपका लॉन है, उसकी भी मैं यहाँ से आपको एक दिखा देता हूँ। प्रॉपर हम ग्राउंड फ्लोर जो है वो इसका विजिट कर रहे हैं, यू कैन सी।
इटालियन टाइल जो है वो प्रॉपर इसमें लगाई गई है, और यहाँ से भी आप देखें इसको, बहुत ही खूबसूरत। ये इसका भी किचन, किचन भी आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत, प्रॉपर डिजाइनर किचन है। इसमें भी डीसी जो है इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और बर्नर, बहुत ही खूबसूरत डिश वॉशर एरिया। और ये इसका बेसिकली वॉकिंग किचन है, इस साइड पे ये इसका रेफ्रिजरेटर हायर का, और ये इसका वॉकिंग किचन। इधर से आगे बढ़ेंगे तो ये इसकी स्पेस है, यहाँ से आप एक बेडरूम की तरफ जाते हैं, दो बेडरूम है, एक चाइल्ड बेड है और एक मास्टर बेडरूम है। ये फर्निश और इसका थीम आप चेक करें, क्या खूबसूरत बेड का थीम है, ब्लैक कलर में, इसमें भी इटालियन टायर जो है वो यूज़ की गई है, ये आप चेक करें। और ये इसका वॉशरूम, सिंगल वैनिटी, फ्लोटिंग वैनिटी, स्मार्ट मिरर, वॉल हैंग कमोड, और ये आपका शावर एरिया। ये चेक करें, इसके ऊपर कंसोल और बहुत ही खूबसूरत मिरर। और ये इसका मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा रखा गया है, शैंडलियर बहुत खूबसूरत, और एक प्रॉपर रॉयल बेड जो है वो इसमें दिया गया है। इसकी दोनों साइडों पे कंसोल, और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम आप चेक करें यार, क्या खूबसूरत वॉशरूम है इसका। ये सिंगल वैनिटी है जो कि प्रॉपर रॉयल शेप देती है, फ्लोटिंग वैनिटी आप इसको कह सकते हैं। ये जकूजी, और जकूजी में भी इसके ऊपर LCD, और ये प्रॉपर जो है वो टाइल्स जो है वो लगाई गई, ऊपर शैंडलर, वॉल हैंग कमोड और शावर एरिया, और ये साइड पे कबर्ड्स। ये बेसिकली व्यूवर्स, ये टूर्स जो था ये बेसिकली था आप इसके ग्राउंड का। अभी हम बेसमेंट की तरफ जाएंगे तो वो वीडियो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज की नेक्स्ट लिस्ट में देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं अपर वाले पोर्शन में, ये इस घर का अपर पोर्शन है, और ये इसकी डबल हाइट लॉबी जो है उसका व्यू है, यू कैन सी शैंडलर, और ये इसका डॉम, बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग वर्क चेक करें इसमें, इसके डॉम में। अभी हम अपर वाले पोर्शन में आ चुके हैं, ये बेसिकली इसके सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और ये ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो बेसिकली तीन बेडरूम है, फर्निश है जो कि बहुत ही खूबसूरत। ये इसका बेड आप चेक करें, इसका कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर पैडिंग चेक करें, स्पॉट लाइट LED लाइट्स इसकी पैडिंग में यूज़ की गई हैं। और यहाँ से आपका फ्रंट एलिवेशन, ये जो है बाहर का व्यू भी आपको मिलता है। इस साइड पे ये सोफ़ा, और ये इस घर का अटैच वॉशरूम, अपर वाले पोर्शन का मास्टर बेडरूम का, बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम है, यू कैन सी सिंगल वैनिटी, फ्लोटिंग वैनिटी, जकूजी, और इसमें भी वैसे ही LCD लगी जैसे ग्राउंड के ऊपर वॉशरूम लगी थी, ऊपर शैंडलर, ये आपका शावर एरिया, ये वॉल हैंग कमोड, ये आपका कबर्ड्स एरिया, इटालियन टाइल इसमें भी लगी, और हर घर में बेसिकली ये हेयर स्टाइल जो है वो आपको फ्री मिलेगा स्टाइलिंग के लिए, ये हर वॉशरूम में लगाया गया। नीचे मोज़ेक का काम बहुत ही खूबसूरती से, और ये इसका ऊपर कॉफ़ी के लिए किचन है, ऊपर वाले पोर्शन में स्मॉल किचन। ये इसका TV लाउंज एरिया, इसको भी देखें, रॉयल शेप में रॉयल फील आती है अब जब इस घर में बेसिकली आप एंटर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तीन सीटर, ये डबल सीटर, और ये कंसोल, बीच में टेबल, बहुत ही खूबसूरती से इसको रखा गया है। ये अब देखिए, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, और ये एक बेडरूम है इस घर का,
ये ऊपर चूँकि तीन बेडरूम है, तो एक ही बेडरूम, ये इस बेडरूम के आप चेक करें, इसके कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, बेड चेक करें, क्या खूबसूरत बेड है ये। ये मिरर, इसमें भी डीसी इन्वर्टर जो है वो बेसिकली सारे घर में इंस्टॉल्ड है। और ये इसकी बाहर बैठने की प्लेस, यहाँ पे भी आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं सर्दियों में धूप पे। और ये इसका वॉशरूम जो कि बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम है, यू कैन सी फ्लोटिंग वैनिटी। इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये दिखी गई, ये आपका वॉल हैंग का मोड है और इसी साइड पे इसकी पार्टीशन ऐसे की गई है, इसी साइड पे ये आपका शावर एरिया और ये कबर्ड्स। ये इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम है, इसमें ब्लू कलर जो है वो यूज किया गया, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाता है, बहुत ही प्यारा ये बेडरूम है। इस साइड पे ये पेंटिंग कंसोल, इसकी मीडिया वॉल के ऊपर टाइल जो है वो लगाई गई, डीसी इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है। और ये इसका वॉशिंग, इसमें डबल वैनिटी है, क्या खूबसूरत इसमें लग रही है। इसमें भी जकूजी रखी गई है, इसमें टोटल जो है वो अभी तक हमने तीन जकूजी देख रही है, वॉल हैंग कमोड है, इटालियन टाइल, शॉवर एरिया और ये जकूजी। ये था व्यूवर इस घर के अपर पोर्शन का टूर। और इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो 32.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। चूँकि ये दो कनाल का घर है, फ्लोर प्लान जो है इसका बेसमेंट है, बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, सिनेमा है आपका, और लॉन, एक कनाल का लॉन है इसमें जो कि बहुत ही खूबसूरत बैठने की जगह, इसमें काफ़ी चीज़ें। और इसकी अभी हम जो टूर करेंगे वो इसकी टोटल, इसके जो रूफ़ है उसको देखेंगे। यार इस पैसे से अभी हम इस घर के बेसमेंट में आए, और बेसमेंट में ये वर्किंग किचन है जिसमें आप कॉफ़ी चाय कुछ भी बना सकते हैं। टोटली ऐश वुड इस घर में यूज़ की गई है, इम्पोर्टेड, उससे इसके डोर सॉलिड डोर बनाए गए हैं। ये इस घर का जिम है, और मज़े की बात ये इसमें सिनेमा, ये प्रोजेक्टर लगाया गया है, और ये इसका स्विमिंग पूल है। यार क्या इसका स्विमिंग पूल है, फ्लोटिंग वाटर इसमें, और आप चेक करें इसके ऊपर गैलेक्सी लाइट्स, और आप इसकी इस रूप को भी ऐसे ही देख सकते हैं। ये इसका जिम है, और यहाँ पे आप स्नोकर खेल सकते हैं। ये इसका बेसमेंट है, इसमें भी सिंथेटिक प्लांट्स जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स इंस्टॉल किए गए। और ये इस घर का टीवी लाउंज एरिया बेसमेंट में, क्या खूबसूरत टीवी लाउंज है इसका। ये इसका मास्टर बेडरूम है, ये बेसिकली ओवल शेप में बेडरूम है, यू कैन सी इसकी चेयर्स देखें, इसके ऊपर काम देखें, और ये बेड इसका देखें, आई वुड से ये भी एक फ्लोटिंग बेड ही है। और ये इसका वॉशरूम है, जकूजी, बाथटब जिसको कहते हैं, दो बड़ी वैनिटी जो कि फ्लोटिंग वैनिटी है, ये कबर्ड्स एरिया, और ये इसका वॉल हैंग का मोड। ये था व्यूअर्स इस घर का टूर, इसके बेसमेंट का। इस घर की जो प्राइस है वो 32.5 करोड़ रखी गई है। ये इस घर की रूफ है, अभी हम रूफ पे आए, रूफ में जैसे एंटर होते हैं तो ये आपको वुड में बहुत ही खूबसूरत वेलकम करती है, वो उन्होंने वेलकमिंग रिसेप्शन बनाई है। इस साइड पर सिंथेटिक ग्रास, और फ्लोरिंग के ऊपर भी सिंथेटिक ग्रास और डिफरेंट टाइल्स जो हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका रूफ है, प्रॉपर इसको बनाया गया है। ये आप चेक करें, इस साइड पे भी सिंथेटिक ग्रास, क्या खूबसूरती से इसमें टाइल जो हैं वो लगाई गई। ये बारबेक्यू एरिया, फायरप्लेस, यहाँ पे भी आप इसके रूफ़ के ऊपर बैठ सकते हैं। 8 kV के इसमें सोलर जो है वो इंस्टॉल्ड है, साइड पे ये सोलर जो है वो लगे हैं। नाउ यू कैन सी इस वीडियो के, बेसिकली इस घर की जो वीडियोस हैं वो मैं 5 पार्ट्स में मैंने की हैं,
पहले दो पार्ट्स में एलिवेशन है, फिर बेसमेंट है, फिर ग्राउंड है अपर पोर्शन, और फिर इस घर का रूफ टॉप। ये इसका 360 व्यू है। इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेड प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं।